नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है और आगे भी ये एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें आ चुके हैं जिसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। जहां से फेसबुक का डील जो शुरू हुआ रिलायंस जियो में, उसके बाद एक पर एक डील आते गया। इतने डील आए कि आप गिनेंगे तो 15 के आसपास या उससे भी ज़्यादा डील होंगे। तो इसमें जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट डील का न्यूज़ आ रहा है उसको हम आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजॉन टॉक्स टू बाय 9.9% स्टेक इन रिलायंस रिटेल आर्म। अभी आपने जियो में देखा कि बहुत सारे मतलब डील, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। अब रिटेल में बात चल रहा है अमेजोन इसमें डील करने का। अगर ये डील हो जाता है तो समझिए कितना बेहतरीन होगा कि अमेजोन, जिसे कंप्यूटर माना जाता था रिलायंस रिटेल के, वो अमेजोन अब रिटेल में इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा अंबानी जी को? अंबानी जी को सारा बनाया बनाया हर चीज़ मिल जाएगा और वो अमेजोन के थ्रू अपने रिटेल को बहुत ही जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कितना बेहतरीन आप प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म मिलेगा रिलायंस रिटेल को बढ़ावा देने के लिए। साथ साथ व्हाट्सएप के साथ डील है, वहाँ पर जो रिलायंस रिटेल है अपना बढ़ावा करेगा व्हाट्सएप के साथ 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 अमेजोन के साथ। तो कितनी तेज़ी से ये रिटेल बिजनेस ग्रो होगा आप समझ सकते हैं अगर ये डील हो जाता है तो, अगर ये डील कन्फर्म हो गया। इसके साथ साथ और भी एक बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पर देख सकते हैं एलन मस्क बीट्स मुकेश अंबानी टू बिकम 5th richest। तो ये 12 घंटा पहले था, अब यहाँ पर आप देख लीजिए मुकेश अंबानी नाउ वर्ल्ड 5th richest आफ्टर मार्क जुकरबर्ग। तो मुकेश अंबानी जो है दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो उनका वेल्थ इतना मतलब बढ़ा है रिलायंस के मार्केट कैप बढ़ने से, क्योंकि 50% तो उनका ही होल्डिंग है उसमें प्रमोटर के रूप में। तो रिलायंस के मार्केट कैप के बढ़ने से उनका वेल्थ इतना बढ़ा है कि वो विश्व के 5वें सबसे बड़े व्यक्ति बन चुके हैं। अगर रिलायंस का इसी तरह मार्केट कैप बढ़ता रहा, 3000 गया, 4000 गया रिलायंस का प्राइस, तो मार्केट कैप लगातार बढ़ेगा, तो उससे उनका वेल्थ जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिलायंस बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ ₹13 trillion। 13 trillion का जो मार्केट वैल्यू है वो वैसी पहली कंपनी बन चुकी है रिलायंस। तो कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और उसके बाद हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को भी देखेंगे कि रिलायंस का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है और इसके टेक्निकल चार्ट पर क्या टारगेट्स दिखता है और कौन सा सपोर्ट लेवल दिखता है इनके प्राइस का। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए इनके जो टेक्निकल चार्ट है, लॉन्ग टर्म के चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखिएगा तो आप यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन आपको चार्ट दिखेगा रिलायंस का। तो ये है रिलायंस का लॉन्ग टर्म चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस में जो है 2002 से लेकर के 2007 तक काफ़ी तेजी था, वहाँ पर 1252% का रिटर्न देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ₹700 का रिलायंस का स्टॉक उस समय भी हुआ करता था, यहाँ से काफ़ी इसमें गिरावट आया और देख सकते ये ₹323 तक चला गया। ये बोनस देने से एडजस्टेड प्राइस है, बोनस दिया गया उसके कारण एडजस्ट हुआ है। ये 700 से भी ज़्यादा का था क्योंकि 2 बार बोनस शेयर भी कंपनी इस बीच दिया है। तो ये भी याद रखिएगा ये एडजस्टेड प्राइस है, मतलब 2000 का प्राइस उस समय भी रिलायंस का था, मतलब अगर बोनस और स्प्लिट नहीं हुआ होता तो अभी 10000 से ऊपर का स्टॉक होता रिलायंस भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइस काफ़ी कम हो गया, फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म रहा। फिर यहाँ से आप आ जाइए 2017 जब से जियो आया है तो ये कंपनी लगातार परफॉर्म करते जा रहे हैं और 300% का रिटर्न, मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन। और अब जो इसमें डील आया है जिसके कारण कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री हो चुकी है, और जिस तरह से जियो में इन्वेस्टमेंट आया उसी तरह से अगर रिटेल बिजनेस में आना शुरू होता है तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। 5 लाख करोड़ से अधिक का वैल्यूएशन है जियो का, उतना ही बड़ा रिटेल कारोबार है। तो आप समझ जाइए कि रिलायंस का अलग बिजनेस, पेट्रोकेमिकल्स का रिटेल का बिजनेस, जियो का बिजनेस, फिर इधर मीडिया का बिजनेस, तो बहुत सारे बिजनेस इनके हैं जिसका वैल्यूएशन आप मिलाएंगे तो एक बहुत बड़ी कंपनी ये बनेगी। और अभी जो है ये वर्ल्ड के ग्लोबल कंपनी में जो 48 रैंक पर रिलायंस आ चुका है, ग्लोबल कंपनी के रैंक में
48 स्थान पर। यहाँ पर देखिए टेक्निकल चार्ट तो काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ से यहाँ तक 2017 तक ये काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा, यहाँ से ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम पकड़ा है जियो में इन्वेस्टमेंट का। रिटेल में भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आता है तो निश्चित है कि और बड़ी कंपनी बनेगी। आपको जो सारे सारे ब्रोकरेज देखे होंगे वो टारगेट देंगे 2100 जाएगा, कोई टारगेट देगा 2200 जाएगा, कोई कहेगा 2300 जाएगा, इस तरह से। हमने आपको पहले ही बताया कि इसका डेप्ट जैसे कम हो गया, पूरी जीरो हो गया, तो इसका टारगेट होगा 3000 रुपया। अगर आपने हमारा वीडियो पहले ही देखा होगा तो हमने शुरू में ही बता दिया था जैसे ये डेप्ट फ्री कंपनी होगी तो इसका टारगेट होगा 3000 रुपया। तो चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या कहता है। वैल्यूएशन पे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वैल्यूएशन देख लेते हैं कंपनी का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 14 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी, मतलब 14 ट्रिलियन की कंपनी बनने के बहुत ही करीब है रिलायंस। तो 14 ट्रिलियन पहली कंपनी होगी, इंडियन कंपनी होगी जो 14 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव करेगी। अभी मात्र 45 का है, इंडस्ट्री से थोड़ा सा अधिक है। बुक वैल्यू देखिएगा 706 का है। डिविडेंड काफ़ी कम देती है कंपनी, मात्र 6.50 रुपया का, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रही है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस देखिएगा, अभी भी प्राइस जो है मात्र बुक वैल्यू के 2.92 है, 2.92 मात्र 2.92 है बुक वैल्यू का प्राइस। तो प्राइस मात्र 3 times है बुक वैल्यू के। अर्निंग पर शेयर 45 है। उसके बाद इसका जो कंपनी का और सारी चीज पैरामीटर्स है, कॉर्पोरेट टैक्सन देखते हैं, कंपनी बीच बीच में बोनस भी दी है, डिविडेंड रेगुलर पे करती है कंपनी, देखते हैं कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे की है। बोनस यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में दिया, 2009 में दिया, तो दो बार बोनस हमने पहले भी बोला था, दो बार बोनस दिया है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी का शेयर का प्राइस अभी तक कहाँ होता। उसके बाद फाइनेंशियल पर जाकर के आप इसके फाइनेंशियल को देखते हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट लगातार कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज भी किया है। अब की बार जो मार्च क्वार्टर है उसमें काफ़ी इफेक्टेड रहा प्रॉफिट, क्योंकि जो इनका पेट्रोलियम कारोबार है वो काफ़ी इफेक्टेड रहा लॉकडाउन से। उसके बाद इसके बैलेंस शीट को देख सकते हैं, बैलेंस शीट पर जो आपको दिख रहा है डेप्ट, वो डेप्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इतने इन्वेस्टमेंट आए हैं, इतने इन्वेस्टमेंट जितना इनको अपना डेप्ट रिमूव करने की आवश्यकता थी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं 4,18,000 करोड़ का मतलब रिजर्व है कंपनी के पास, डेप्ट है 1,93,000 करोड़ का, इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रिलायंस में आ चुका है। तो ये डेप्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आप जो है रिलायंस एक डेप्ट फ्री कंपनी है, तो रिलायंस क्या हो चुका है, वर्चुअली एक डेप्ट फ्री कंपनी। आप इसके डेप्ट को कुछ ही दिनों में बैलेंस शीट से गायब होता हुआ, मतलब गायब होते हुए देखेंगे। नेट करेंट एसेट भी कंपनी का काफ़ी अब इम्प्रूव होगा, और बुक वैल्यू काफ़ी कंपनी का पहले से इम्प्रूव हो चुका है। तो सारे पैरामीटर्स आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अर्निंग पर शेयर और जो सारे पैरामीटर्स वो देख लेने, अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा गिरा हुआ है 20 के फाइनेंशियल में, 19 में ठीक था, उससे पहले 17 में और काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। उसके बाद अन्य जो पैरामीटर्स है जो देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 7.27% का है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है, लेकिन अब रिटर्न ऑन इक्विटी आपको काफ़ी परफॉर्म करते हुए देखने मिल सकता है इस कंपनी का। कैपिटल एम्प्लॉयड 8.60% का है, और रिटर्न ऑन एसेट मात्र 3.18 का, तो ये भी काफ़ी कम है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो काफ़ी कम है, लेकिन रिलायंस जो एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, तो आप जो इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी अब कोई नहीं है इंडिया के, सबसे बड़ी कंपनी कौन है, रिलायंस। वहीं करंट एसेट, करंट रेशियो देख लीजिए, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज तो मात्र 0.54 का है, मतलब करंट एसेट काफ़ी कम है। तो करंट रेशियो करंट एसेट बटा करंट लाइबिलिटीज मात्र 0.54 का है, तो काफ़ी कम है, मतलब करंट एसेट जो है कंपनी के पास कम है, करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है। तो ये सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स थे जो काफ़ी बेहतरीन है। अब हम इसके जो लेवल्स और टारगेट है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है जीरोधा में तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जीरोधा नंबर 1 ब्रोकरेज है अगर आपको इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी बेहतरीन है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग इन सब के लिए तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो जीरोधा में आप ओपन कीजिए। यहाँ पर RSI देख सकते हैं, RSI 76 का हो चुका है, मतलब ओवरबाउट होने का सिग्नल दे रहा है, लेकिन RSI में स्ट्रेंथ काफ़ी है और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी है। यहाँ देखते हैं जब से जियो में न्यूज़ आया है, जियो में इन्वेस्टमेंट का न्यूज़, वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है रिलायंस में।
मतलब काफ़ी ट्रेडिंग हो रहा है इस स्टॉक में। अब यहाँ से लेवल और टारगेट देखेगा तो यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है देखते हैं 1400 रुपये के आसपास से, तो ये स्टॉक का ऊपर का जो टारगेट है वो अनलिमिटेड है। वो टारगेट जो है आप सारे ब्रोकरेज का देखिएगा टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं, उसी तरह समझिए मेरा भी टारगेट, हम तो पहले ही आपको बोल चुके हैं 3000 मेरा टारगेट है इस स्टॉक्स का, जैसे डेप्ट फ्री हो चुका है। वैसे मतलब पहले इसमें कभी गिरावट होगी, कभी फिर तेज़ी आएगी, गिरावट होगी फिर तेज़ी होगी, इस तरह से चलते जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ का जो टारगेट है ऊपर अनलिमिटेड है, मतलब कहीं 3000 इसका टारगेट है, लॉन्ग टर्म में 5000 भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका जो टारगेट होगा वो 5000 का होगा, मतलब लॉन्ग टर्म में ये 5000 तक जाएगा। नीचे सपोर्ट की बात करें तो इसका अब जो सपोर्ट होगा 2000 रुपीज़ इसका जो सपोर्ट होगा 2000 रुपीज़ तोड़ने के बाद 2000 तो अभी ये आज ब्रेकआउट दिया ही है, तो 2000 लेवल को जैसे तोड़ता है मतलब नीचे आता है तो 1900 इसका पहला सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट बनेगा। उस सपोर्ट को तोड़ता है तब फिर जाकर के आपको 1900 के सपोर्ट को तोड़ने के बाद आपको 1600 इसका मेजर सपोर्ट है, तो पहला 1900 सपोर्ट होगा, वहाँ से अगर ये फॉल आता है तो 1600 इसका मेजर सपोर्ट होगा। 1600 के नीचे आपको ये स्टॉक्स देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखते जाइए, हमेशा इसका 1600 रेसिस्टेंस था, जिस रेसिस्टेंस को ये ब्रेक कर चुका है, अब ये आपको 1600 से नीचे स्टॉक देखने नहीं मिलेगा। तो आप 1900 पर अब कभी भी करेक्शन पे आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1900 इसका सपोर्ट लेवल है पहला, और उसके बाद जो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है जिसके नीचे ये स्टॉक्स आपको देखने नहीं मिल सकता वो है 1600। और पहले तो आपको इस स्टॉक में गिरावट अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप रिलायंस में जो लेवल्स और टारगेट और जो सपोर्ट लेवल है उसके बारे में सीख गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।